आज मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। देखो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये वाला रास्ता कौन सा है। ओए होए क्या मस्त व्यू था, नहीं मजा आ गया देखने में। मैं पीछे करूंगा करके देखो कैसे लगाए रखा है, देखो इतने इतने दुष्ट आदमी। विनोद जी एक्सीडेंट हो जाता है अभी बच जगह। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी जो है फिलहाल ठीक हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर, अभी अभी फटाफट वीडियो अपलोड करके आया हूँ। अभी टाइम भी हो चुका है गाइस, कितना टाइम हो गया, 6:53 हो चुके हैं गाइस, 7 बजने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, उठने में लेट हो गया हूँ क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि रात को एडिट करना मैंने छोड़ दिया, अभी सुबह सुबह एडिट करता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो लेट हो गया। कोई नहीं, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। अभी शेड्यूल आज का कुछ अलग ही है, सो आप चैनल पे बने रहिए, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अंजुले आ गया बेटा, आ गया, कितना प्यारा बेटा। चल चल भाई को छोड़ देते हैं, चल आ जा भाई, भाई चल जा भाई को छोड़ देते हैं ऊपर, जा भाई, भाई जा ऊपर, चल जा चल 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 चल। अरे अटक गया, ले चल। हाँ तू अंदर रहेगा, भाई थोड़ी देर खेलेगा, नहीं तो तुम लड़के ना बदमाशी करोगे। अंजुले के लिए मैंने क्या लाया, ये ले घास खा ले, ये ले, ये क्या खा रहा है कंचले, छुले तू भी खा ले, ये ले। सो गाइस थोड़ा सा ना गार्डनिंग का शौक है तो मैंने कहा कि थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। अभी सुबह सुबह आज ना एक्सरसाइज करने को भी जा नहीं पाया तो मैंने कहा थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, थोड़ा सा गार्डनिंग कर लेता हूँ। सो गाइस आज मॉर्निंग का काम ये रहा, सारे पौधे लग गए, देख सकते कितना प्यारा लग रहा है। सारे में पानी दे देता हूँ। तू कौन है, कचड़े वाला है, कचड़ा उठाने आ गया, अच्छा ये मेरा मदद कर रहा है, देखो कचड़े उठाने में मदद कर रहा है देखो। सो गाइस सुबह सुबह जो है ना थोड़ा सा हल्का सा मतलब एक्सरसाइज करने को नहीं मिला तो मैंने कहा कि थोड़ा सा गार्डनिंग कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए गाइस। सो मैंने तो थोड़ा बहुत सुबह कर लिया, इससे थोड़ा सा ना एक्सरसाइज भी होता है, मूड फ्रेश भी होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गार्डनिंग कर लिया, हल्का सा पौधे लगा लिए। अब चलते हैं ऑफिस, ऑफिस तो जाना ही है, काम तो करना ही है, आप लोगों को पता ही है डेली लाइफ है तो बिना काम करे तो आदमी रुक नहीं सकता, तो फटाफट निकलते हैं नहीं तो लेट हो जाएंगे जाम में। कल थोड़ा सा राहत मिला था मुझे जल्दी निकलने का, 5 मिनट जल्दी निकलने का ना बहुत फ़ायदा मिल जाता है। जय भोलेनाथ। सो गाइस निकलने का टाइम हो गया ऑफिस के लिए। सो गाइस देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह का टाइम है। ओए होए क्या ही कहूँ, झंडा आज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट अच्छा लग रहा है। इस तरह के जगहों में ना थोड़ा सा केयरफुली निकलना पड़ता है क्योंकि कहीं से भी लोग कूद सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कौन सी बाइक है भाई, ये हिमालय, स्क्रैम्प लग रहा है मुझे तो, ये हाँ स्क्रैम्प ही लग रहा है। कबूतर उड़ाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। ओए होए क्या मस्त व्यू था, नहीं मजा आ गया देखने में। मैं इधर से आज क्यों आया हूँ उसका एक रीजन है, बट मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो नहीं पता गाइस। ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए, कुछ काम के लिए आया था मैं यहाँ, हो नहीं पाया अलग रास्ते से, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, किसी और दिन कर लेंगे ये वाला काम। देखो इतने बीच में कौन बस रोकता है यार, आधा रास्ता घेर के आ रहे वहाँ रोक ले भाई, क्या लोग हैं यार। चालान तो इनका काटना चाहिए यार, बीच सड़क में कोई गाड़ी रोकता है क्या, इस वजह से तो एक्सीडेंट होते हैं, कौन समझाए यार इन सबको। बस लेन वो है तो चल रहे हैं यहाँ से भाई साहब, रोकेंगे यहाँ, ये देखो आधे उस पर रोक रहे हैं, बताओ देख रहे हो कहाँ रोक रहा है बंदा, अजीब है यार। आज मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, देखो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये वाला रास्ता कौन सा है। यहाँ बम्पी है भाई। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. ओए क्या बात है यार, रास्ता देखो इधर नदी है, क्या ही कहूँ यार, आज तो मजा आ गया मुझे तो। देखो ये ऐसे लोग ना एक्सीडेंट करवाएंगे, कुछ नहीं पता इनको, पीछे बिना देखे ऐसे गाड़ी लगा लेते हैं, इस तरह से ना करेगा इस
ये हार्मफुल हो सकता है सबके लिए, जो चलाने वाले हैं और चलने वाले हैं दोनों के लिए। इस तरह के रास्ते मिल जाए ना तो लगता है कि चलते चलो चलते चलो चलते चलो। आप लोग, पता चल गया होगा आप लोगों को कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। क्या रखा यार, इतने बड़े बड़े टायर तो नहीं है ये, पता नहीं क्या है। अच्छो पाइप है, यहाँ से जाना मना है लेकिन छोटा सा बाइक है। तो इतना अच्छा बना हुआ है, देखो तो जिराफ मोर बढ़िया लगा यार देख। आज हल्का सा जाम मिला लेकिन खाली भी मिला ना सड़क, तो सारा कवर अप हो गया। वोल्ट बम्पी, गंदा वाला बम था, क्योंकि बम्प पे इसलिए डरता हूँ ना गाइस क्योंकि मेरा बैक पेन जो है ना जाग ना जाए। ओ अभी सोया हुआ है ना मेरा बैक पेन, तो जाग ना जाए कहीं, इसका डर थोड़ा सा रहता है मुझे। फिर से मिल गया जाम। चौड़ी सड़क फिर भी जाम, लाइफ का फंडा कुछ समझ में नहीं आया। आज जिस मकसद से मैं सोच के आया था वो काम नहीं हो पाया। आज जाम कैसे लग रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। लिखा हुआ है थैंक यू फॉर विजिटिंग, अब कहाँ का ये कमेंट करके बताइएगा। इस थोड़ा सा रिलीफ मिला यार यहाँ आके, ठंडा ठंडा भी लग रहा है यहाँ पे। ओए होए पेड़ पौधे हैं ना तो ठंडा लग रहा है। ओए होए मस्त ठंडा ठंडा खुल खुल बड़ी। अरे हर जगह तो होता है गेट में आने के बाद भी ना, चैन नहीं है हम लोगों को। विनोद जी एक्सीडेंट हो जाता है अभी बच जा गए। इसके बंदा इतना दुष्ट बंदा है, देखो मैं पीछे करूंगा करके देखो कैसे लगाए रखा है। देखो इतने इतने दुष्ट आदमी देख रहे हो ये हालत। ओ जेनी अरे हम तो यहाँ खड़े करेंगे। हाँ ये मस्त पहुँच गए ऑफिस। सो गाइस फिलहाल तो ऑफिस तो पहुँच चुके हैं। मंजीत का नंबर प्लेट टूट गया है तो ये ठीक कर रहे हैं भाई साहब देखो। और ये देखो जुगाड़ू में लगा हुआ है, क्या करेगा पता नहीं। अब अपना टाइट करने में लगा हुआ है यार, मुझे लगा दोस्त का मदद कर रहा है, तो खुद अपना लगा हुआ है। देख रहा हूँ देख रहा, अपना टाइट करने में लगा हुआ है। टूटने दो, नया लगा लो। नया लगेगा और क्या, टूटे झूला देखो, अपना टाइट करने में लगा हुआ है। ये देखो एमसील, हमारा कोई भरोसा भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है इस बंदे का। एक दिन गाड़ी यहाँ रख के वहाँ पहुँच गया था, वहाँ रख के यहाँ पहुँच गया जाता है, ये ऐसा ही है। अरे याददाश्त कमजोर हो जाती है। हाँ देखो याददाश्त कमजोर। बादाम बादाम खाते क्यों नहीं हो? बादाम ही खा के आया हूँ। अच्छा काजू बादाम, काजू और बादाम और किशमिश। अच्छा लग रहा है इसको देख के काजू बादाम खाता होगा ये। करो ये देखो इतना अच्छा खासा फ्लावर लगे हुए ग्रीन ग्रीन, ये दोनों देखो जा रहे हैं। ओ ये मंजीत का डॉगी है, मंजीत का डॉगी। मंजीत लेके चलो भाई, तुम्हारा डॉगी है ये, बुलाओ। बुलाते क्या है नहीं, ये देखो मेरे तो ना, ये देखो हम ऊपर से धमका रहे हैं, देख रहे हो, देख रहे हो ऊपर से धमका रहे हैं। देखो धमका नहीं रहा हूँ, उसको पता है पाजी का है। और देखो पाजी जहाँ पार्किंग लगाते थे ना, आज जो है मुजस्मा बन गया। एच ब्लॉक लगा के आए हैं और बाकी लोग किधर लगा रहे हैं। पाजी का मुजस्मा बन गया है। हाँ मैंने इसको बोला रुक मैं आ रहा हूँ। हाँ कहाँ नहीं यार, यहीं मिलूंगा मैं इनके, इन दोनों के साथ गया ना वहाँ लगाने। ये दोनों पहले जा चुके थे। ओ पहले मेरे नाम हम पहले जा चुके हैं। दूसरे ग्राहक लोग कभी कभार मिलते हैं। बस बढ़िया। सो गाइस ऑफिस पहुंच चुका हूँ, सबसे पहले सिस्टम ऑन कर देता हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा काम जो है ना लेंदी वाला काम है, थोड़ा सा ना इसमें टाइम टेकिंग वाला काम है, तो पहले फटाफट कर लेता हूँ। पहले उसके जब तक सिस्टम ऑन हो रहा है फ्रेश होकर आ जाता हूँ फटाफट चलता। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। सो गाइस लंच टाइम हो चुका है, ये देखो गेस्ट जो है ना लंच टाइम पे आके बैठते हैं, हमारे गेस्ट लंच टाइम में। आदमी जो करते रहे ना 24 घंटे रेस्ट, तो उसे हर कोई दिखता गेस्ट। हाँ ये देखो अभी काम का टाइम, काम खत्म करके आया हूँ, कर रहे रेस्ट कर रहा है। बताओ ये काम इसमें देखो, ये देखो तो सुनो इसमें सुनो, उसमें दो है ना, एक हिंदी और इंग्लिश है और दूसरा एक प्रोमो है, बंगाली नहीं है। मैं बंगाली है नहीं, वही तो करना था मेरे पास। हाँ वही करना था। चलो लंच करना है, ठंडी लग रहा है मुझे। सो गाइस ठंड लग रहा है थोड़ा सा आज। ये देखो भाई साहब लंच शुरू कर दे, काफी दिनों बाद साथ में खाना खाने का मौका मिल रहा है, तो फटाफट खाना खा लेते हैं
देखो सलाद वलाद है, दो रोटी है, सब्जी है, इधर पनीर है, चने हैं, उधर रोटी है, क्या क्या है। सो मिल बाट के खा लेते हैं, फटाफट लंच कर लेते हैं, उसके बाद काम थोड़ा सा ज़्यादा है, देखते हैं क्या हो सकता है। बताओ तो लंच कर लिया? बताया भी नहीं बंदे ने, साथ में ही किया था वैसे तो। जब से नेपाल से हो गया ना, आप शनाप के जा रहे हैं। नेपाल से इसलिए आया था क्योंकि फ्रेश मूड हो जाएगा, इसलिए अनाप शनाप पकने का यही तो फायदा है इनको, यही तो नहीं जानते। इसलिए मैं खुला छोड़ता नहीं। अच्छा मुझे खुला नहीं छोड़ते हो? लंच की तरफ बांध के रखो इनको। ये देखो कहाँ है वो, क्या बोलते हैं उसको, दमड़ी। दमड़ी लेके बांधने के, दमड़ी लेके बांधोगे? भैया रस्सी लाओ, कौन है, कोई है क्या रस्सी लाने वाला? कोई नहीं सर, रस्सी लाना, दमड़ी लाना, ये मुझे बांध के रखेंगे। मैं पकड़ा हूँ, मुझे बांध के रखोगे क्या? ये खुला छोड़ने में दिक्कत हो जाती है ना, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। छुट्टी हो गई है, सारे के सारे बच्चे छुट्टी हो गई है। कब से दिखाई दिए ये बच्चे? सारे लोग जा रहे हैं देखो। अरे मनजीत है कुछ नहीं लग रहा है, खराब हो गया ये। कुछ नहीं लग रहा है, कुंडी बताओ। तब देखो फोन पे कनेक्टिविटी, क्या कर रहे हो? टाइम हो गया। सो गाइस ऑफिस से घर निकलने का टाइम भी हो चुका है गाइस, ये नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया क्योंकि मंजीत ने बता दिया ना। सो फटाफट निकलते हैं गाइस। सो गाइस ब्लॉग कैसा लगा? आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है ब्लॉग क्योंकि अभी एडिट ख़त्म कर चुका हूँ, फिलहाल टाइम भी हो चुका है 6:35 अर्ली इन द मॉर्निंग हो चुका है क्योंकि आके तुरंत सो गया था, उसके बाद जो है रात को उठ के एडिट चालू किया, अभी एडिट ख़त्म कर चुका हूँ। सो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।